भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रामकता का सामना करने के लिए सुरक्षा तंत्र को कर रहा है नए सुरक्षा इंतजाम। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स के प्रकाशित खबर के मुताबिक भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में हथियारों के संग्रहण के लिए भूमिगत ठिकाने बनाने के साथ साथ 22,000 सैनिकों के ठहरने के लिए भी इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही सेना पुलों को मजबूत कर रही है ताकि मौका पड़ने पर उनसे भारी वजन वाले सैन्य वाहन गुजर सके। भारतीय सेना इस तरह के स्थायी इंतजाम भी कर रही है जिससे चीनी टैंकों के सीधे हमलों का सामना किया जा सके। निजी कंपनियों की मदद से तैयार किए गए इन इंतजामों को कुछ दिनों के अंदर ही मोर्चों पर तैनात किया जा सकता है, जिसमें 3D प्रिंटेड ढांचे भी शामिल हैं जिनका वजन लगभग 40 किलोग्राम होगा और 2 सैनिक इन ढांचों को लेकर ऊंचे स्थानों पर जा सकते हैं। अखबार के सूत्रों से पता चला है कि इन चीज़ों को गांधीनगर, बेंगलुरु और हैदराबाद स्थित कंपनियों ने बनाया है। साथ ही आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने भी इन डिफेंसेस को बनाने पर काम किया है। IIT गांधीनगर में बने स्टार्टअप और 3D प्रिंटेड डिफेंस पर काफ़ी काम किया गया है। ये डिफेंसेस ऐसे हैं जो 100 मीटर की दूरी से भी एक T-90 टैंक का सीधा हमला झेल सकते हैं। इस समय उत्तरी सीमा पर ट्रायल जारी है और अगले साल तक इन्हें इंस्टॉल करने की भी योजना की गई है। बता दें कि सूत्रों ने समाचार एजेंसी PTI को भी ऐसी ही जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि गलवान के बाद 2 सालों में 22,000 सैनिकों के ठहरने के लिए इंतजाम किए गए हैं। ये सबसे लेटेस्ट मॉड्यूलर सिस्टम है जिनमें तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया सकता है। इसके साथ ही साथ लद्दाख में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगने वाले समय को कम करने की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स इस समय एयरफील्ड्स को बेहतर बनाने के साथ ही न्योमा में नया रनवे बना रही है। तो ये थी खबर भारतीय सेना के द्वारा चीनी आक्रामकता को झेलने के लिए किए जा रहे नए प्रयासों की। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।